और आने वाले समय में हम मुख्यमंत्री जो भी होंगे हमारे, उनसे एक बेस्ट मुखिया का अवार्ड दिया जाएगा। मतलब आप तो चाहते हैं कि आपकी मम्मी को बेस्ट मुखिया का अवार्ड मिले। बिल्कुल, और अवार्ड काम के ऊपर पर लिया जाएगा, ताकि मैं काम अच्छा से करवा के दिया जाएगा और उसके ऊपर अवार्ड दिया जाएगा। देखिए, इनके इंदु जी के ये लड़का है, इनका कहना है कि मैं चाहता हूँ कि हमारी मम्मी को जो है बेस्ट मुखिया का अवार्ड। साथ दे रहे हैं, घूम रहे हैं, ये लग रहा है कि आपकी जो है उम्मीद, मेरा उम्मीद पूरा है, खड़ी हुई है, अच्छा है, खुशी की बात है, और चाह रही हूँ जीत जाए। आदाब दोस्तों, मैं गौहर अजीज, आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज। आज मैं मुजफ्फरपुर के मजौली खेतल क्षेत्र में आया हूँ, जहाँ से इंदु देवी जो मुखिया प्रत्याशी हैं वो आज हमारे सामने बैठी हुई हैं, और ये उनके पुत्र हैं, तो आज इनसे बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब मैं इस क्षेत्र में आया, कई लोगों से जानकारी लिया, तो लोगों का कहना था कि इंदु देवी जिनका कलम दवात जो चुनाव चिन्ह है, वो यहाँ के कर्मठ उम्मीदवार हैं, शिक्षित उम्मीदवार हैं। मुझे भी थोड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर ये जनता ऐसा क्यों कर रही है। तो आज जो है इंटरव्यू ले लिया जाए, इंदु देवी जी को दिखाया जाए हम अपने चैनल के माध्यम से। मैंने सोचा कि अपने चैनल के माध्यम से इंदु जी को, जनता को दिखाया जाए कि इंदु देवी का जो है इतना प्रशंसा क्यों हो रहा है। तो आइए इनसे मिलते हैं। जी मैडम, सबसे पहले तो आपका तहकीक इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि जनता, जब मैं यहाँ पे आया तो कुछ लोग जो हमको आगे की तरफ में मुलाकात हुए, भेंट हुए, उनसे मैंने बात किया कि यहाँ के मुखिया उम्मीदवार जो है किस प्रकार काम किए हैं, पुराने मुखिया उम्मीदवार और अभी कौन है, किसको आप लोग सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने आपका नाम भी बताया और आपके साथ साथ एक और इंदु जी का नाम बताया, दो इंदु जी का। तो हमने कहा कि कौन सी इंदु जी, तो उन्होंने बताया कि चलिए मैं आपको उनका घर दिखाता हूँ। तो मैंने सोचा कि आपका इंटरव्यू लूँ, तो आपके पास आया, तो जनता आपका प्रशंसा कर रही है, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। उठ कर जो है जनता का किस प्रकार मदद करेंगे? बहुत सारी समस्या है, अच्छी तरह से उनको मदद करूँगी, विकास का भी क्षेत्र में कमी है उसे पूरा करूँगी। लड़के से जानते हैं या उनके लड़के, सबसे पहले तो आप अपना दर्शकों को नाम बताएं। जी, मेरा नाम नीरज कुमार हुआ। जी, आपकी मम्मी मुखिया प्रत्याशी हैं, लोगों का सपोर्ट है गांव में आपके मम्मी को, आपको कैसा फील हो रहा है? जी, सबसे पहले तो मजौली क्षेत्र जनता को मेरे तरफ से नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे मजौली क्षेत्र पंचायत के जनता ने हमारे मम्मी को एक शिक्षित उम्मीदवार को खड़ा किया है, और मैं यही उम्मीद दिला सकता हूँ कि हमारे जो मजौली क्षेत्र पंचायत में जो भी विकास के कार्य अभी तक रुका हुआ है या नहीं हुआ है, उसको बहुत ईमानदारी से और निष्ठापूर्वक मैं उसको पूरा करवाने की कोशिश करूँगा। और जो भी विकास के कार्य हैं, और सबसे पहली चीज़ की जो हम अपने मजौली क्षेत्र को स्वच्छ बनाएंगे, और विकास के कार्य जो भी नाला हो ये सब सड़क को बनाएंगे, और आने वाले समय में हम मुख्यमंत्री जो भी होंगे हमारे, उनसे एक बेस्ट मुखिया का अवार्ड दिया जाएगा। मतलब आप तो चाहते हैं कि आपकी मम्मी को बेस्ट मुखिया का अवार्ड मिले। बिल्कुल, और अवार्ड काम के ऊपर भी दिया जाएगा, ताकि मैं काम अच्छा से करवा के दिया जाएगा और उसके ऊपर अवार्ड दिया जाएगा। देखिए, इनके इंदु जी के ये लड़का है, इनका कहना है कि मैं चाहता हूँ कि हमारी मम्मी को जो है बेस्ट मुखिया का अवार्ड मिले, इसलिए कि हमारी मम्मी जी जो है इतना अच्छा काम करेंगी अपनी पंचायत वासियों के लिए, तो मुख्यमंत्री जी जरूर हमारे मम्मी को जो है बेस्ट अवार्ड देंगे मुखिया का। आइए इनसे एक सवाल और करते हैं, जनता जो इतना प्रशंसा जो कर रही है आपकी मम्मी का इस क्षेत्र की, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको ये चीज़ पता है कि जनता आपको इतना प्रशंसा आपकी मम्मी का कर रही है, ये चीज़ पता है कि नहीं आपको? पता भी है, और अब आपके मुँह से मैं सुन रहा हूँ, और पता भी है, और पता भी है, और सबसे पहली चीज़ कि यहाँ की जनता को पता है कि सबसे अच्छी उम्मीदवार कौन है, और जो उम्मीदवार शिक्षित, हमारी मम्मी शिक्षित है, समाज सेवी है, और लोगों के प्रॉब्लम की जो समस्या है को अच्छे तरह से सुन सकती है, समझ सकती है, और उसको पूरा भी करेगी। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ की जनता उनको चुनी है कि इस बार मुखिया में वो खड़ा हो, और जीते भी मैं ये भी चाह रहा हूँ, और यहाँ की जनता भी चाह रही है। तो यहाँ की जनता से, इस पंचायत की जनता से, मझौलिया क्या है, मझौली खेतन पंचायत की जनता से आप क्या निवेदन करना चाहेंगे? मैं मझौली खेतन की जनता से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब लोग अच्छे से वोट दे के इनको जिताएं, और अपने मझौली खेतन पंचायत के विकास की ओर एक कदम बढ़ाएं। ये एक हैं, इनसे ज़रा बात करते हैं। जी, आप अपना परिचय देंगे, आप कौन हैं? तो मीना है जी, मैं इसी घर के सदस्य हूँ। अच्छा अच्छा, और मेरी गोतनी खड़ी हुई है। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है? अच्छी लग रहा है, हम साथ दे रहे हैं, घूम रहे हैं, 17 में मैं भी खड़ा हूँ। बात हुआ,
ये लग रहा है कि आपकी जो है उम्मीद खरी, मेरा उम्मीद पूरा है, खरी हुई है, अच्छा है, खुशी की बात है और चाह रही हूँ जीत जाए। पंचायत वासियों से क्या निवेदन करना चाहिए? पंचायत वासियों से निवेदन नहीं है, पढ़ी लिखी महिला है और उचित वोट इनको ही जाना चाहिए और अच्छी तरह से गांव संभाले, विकास करे और नाला रोड सब देखते हुए विकास की उन्नति हो, इसके लिए हिंदू देवी को हम हार्दिक शुभकामनाएं करते हैं। मैडम आपसे एक आखिरी सवाल देना चाहती हैं। जनता को हम संदेश देना चाहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करके आगे मुखिया बनाए। थैंक यू। आपने देखा यहाँ पे इंदू जी और उनके लड़का हैं और ये उनकी शायद ये जेठानी है, तो इन्होंने कहा कि उम्मीद पूरी है हम लोगों की कि हम लोग ही जीतेंगे, ऐसा इन लोगों का ये दावा है और इनका ये भी कहना है कि जनता जो है खड़ा की है हमारी मम्मी को, तो जनता ज़रूर जिताएगी। दोस्तों इसी प्रकार की खबर पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। मैं गौरव अजीज़।